नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सब होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी डिश लेके आई हूँ जिसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल हीलिंग फूड। तो डिश बनाने से पहले मैं आपको कुछ सैंडविच के बारे में बताना चाहूँगी। घर का बनाया हुआ हेल्थी सैंडविच न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें फाइबर और प्रोटीन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और ये बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे तरीके से बन जाता है। तो चलिए सैंडविच बनाना शुरू करते हैं। मैंने सैंडविच बनाने के लिए टमाटर, टोमेटो, ओनियन, प्याज, मलाई, क्रीम जो दूध में से निकलती है, और ब्रेड और केचप लिया है। अब हमने प्याज को और टमाटर को चॉप कर लिया है। अब हम उसमें लाल मिर्च यानी रेड चिली डाल रहे हैं। अब डाल रहे हैं गरम मसाला। अब हमने उसमें थोड़ा सा नमक यानी सॉल्ट डाला है। अब उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मिर्च मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से मिल जाएं। और उसके बाद टमाटर भी उसी में मिक्स कर लेंगे। राम राम से सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स कर लेनी है। अब हमने लिया है 50 ग्राम घी। अब हम फ्लेम को ऑन कर लेते हैं और उस पर रख देंगे तवा को, जिसको आप इंग्लिश में फ्लैट ग्रेडल भी कह सकते हैं। अब हम उस पर घी लगा लेंगे। क्योंकि हमें ब्रेड तलना है, आप चाहे तो तेल में भी तल सकते हैं, बट घी में तलने से ना वो और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। तो ब्रेड को तल लेते हैं। स्लो फ्लेम पे ही रख कर तलें। अब हम उस पर लगा लेंगे थोड़ा सा घी ताकि दूसरी साइड से भी आराम से वो तल जाए या फिर गर्म हो जाए। अब हम उस पर लगा लेंगे मलाई यानी क्रीम। पूरी अच्छी तरीके से मलाई लगाने से हमारे जो सैंडविच का टेस्ट है वो और भी ज़्यादा डिलीशियस हो जाएगा। अब हम उसमें वो मसाले जो भी हमने प्याज और टमाटर चॉप करे थे वो डाल देंगे। अब हम उसमें डाल देंगे केचप। इससे जो हमारा सैंडविच है वो और भी टेस्टी बन जाएगा। अब हम दूसरे वाले ब्रेड को उसके ऊपर रख देंगे और उसको पूरा पैक कर देंगे। और अब हमारा सैंडविच बनकर तैयार है। इस तरीके से दूसरा भी बना लेते हैं। हमने ब्रेड को गरम कर लिया है, उस पर घी लगा लिया है। अब हम उस पर मलाई लगा रहे हैं अच्छी तरीके से। मलाई लगाने के बाद चॉप करी प्याज और टमाटर डाल देंगे उस पर। ज़्यादा भी नहीं डालना है, नहीं तो वो जो ब्रेड से ना बाहर निकल जाएगा। अब हमने डाल लेना है केचप या फिर आप कह सकते हो सॉस। अब हम सैंडविच को पैक कर देंगे यानी बंद कर देंगे दूसरा ब्रेड रखकर। और ये देखिए हमारा प्यारा सैंडविच बनकर तैयार है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।